हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम करण है। आज आपका टीच कैप्टन स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 ट्रांसमीटर के बारे में। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, स्किप जरूर ना करें। जो मैं इस वीडियो में टॉप 5 लिस्ट बनाया हूँ वो बिगनर के अनुसार, जो कि ज़्यादातर बिगनर यूज़ करते हैं, उसके हिसाब से मैंने टॉप 5 जो ट्रांसमीटर है उसकी लिस्ट बनाई है यहाँ पास। तो टॉप 5 में जो 5 नंबर पे ट्रांसमीटर है वो है CT6B, जो कि फ्लाई स्काई का ट्रांसमीटर है, ठीक है ना। ये जो ट्रांसमीटर है वो 6 चैनल ट्रांसमीटर है और ज़्यादातर इसको बिगनर यूज़ करते हैं इसीलिए ट्रांसमीटर में है। तो इस ट्रांसमीटर में आपको किसी तरह का डिस्प्ले नहीं मिलता और इस ट्रांसमीटर पे बात करें तो इसमें जो पावर लगते हैं वो 8 सेल इस ट्रांसमीटर पे लगता है। और इसकी इस ट्रांसमीटर की यदि रेंज की बात करते हैं तो इस ट्रांसमीटर का जो रेंज है वो 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक इसका रेंज मिल जाता है। इस ट्रांसमीटर में जो कंट्रोल्स पैनल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा इसमें दिया गया है। और इस ट्रांसमीटर में जो डिसएडवांटेज मिलता है, इसमें 3 मोड स्विच नहीं मिलता, जिसके कारण जो बिगनर होते हैं ड्रोन यदि फ्लाई करते हैं तो ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, और जो यदि अपडेट करते हैं तो दूसरा चैनल दूसरा ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली इसमें यदि कहें बोले तो ये जो बिगनर के लिए है वो बेसिकली ज़्यादातर इसी को यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने टॉप 5 में इस ट्रांसमीटर को रखा है, ठीक है ना। ट्रांसमीटर की यदि बात करें तो इस ट्रांसमीटर में आपको 2 अपर की मिल जाती है, जो कि वो 2 बेस स्विच रहती हैं, 2 बेस स्विच दोनों रहती है। और वहीं आपको गिम्बल कंट्रोल के लिए 2 रोटेटिंग स्विच मिल जाती है, जो कि आप इससे गिम्बल कंट्रोल कर सकते हैं और ड्रोन के लैंडिंग गियर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पास इसमें ट्रिम्स का ऑप्शन भी आपको मिलता है इस ट्रांसमीटर में। अब नंबर 4 की बात करें, जो कि नंबर 4 मेरी लिस्ट पे ट्रांसमीटर है, वो है फ्लाई स्काई का i6। ये जो ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर ज़्यादातर बिगनर इसको भी यूज़ करते हैं। इसके इस ट्रांसमीटर की बात करें तो इसमें LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और इसके देखकर किसी भी सेटअप को देखकर इसमें किया जा सकता है। और ये बात करें इस ट्रांसमीटर में, तो इस ट्रांसमीटर में जो बैटरी लगती है वो इसमें 4 लगती है, जिससे बहुत ही लो पावर में ये वर्क करता है। और ये i6 है। इस ट्रांसमीटर की यदि बात करें तो यहाँ पास कंट्रोल्स पैनल है वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। ये जो ट्रांसमीटर है वो बेसिकली 6 चैनल मिलता है, बट इसको इस ट्रांसमीटर में ऐसा ऑप्शन मिलता है जो कि इसको अपडेट कर सकते हैं 10 चैनल में। तो बेसिकली इसका जो बिगनर होते हैं ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं। और इस ट्रांसमीटर की बहुत ही अच्छी फीचर्स ये मिलता है, क्योंकि इसमें डिस्प्ले होने के कारण और इसमें 3 मोड स्विच होने के कारण इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्योंकि यदि ड्रोन बनाते हैं, GPS सेटअप करते हैं अपने ड्रोन पे, तो इसमें एक 3 मोड स्विच मिल जाती है, जिसके कारण बहुत सारे बिगिनर्स इसका यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसमें 2 रोटेटिंग स्विच मिल जाती है, जिससे कंट्रोल किया जा सकता है ड्रोन के गिम्बल और लैंडिंग गियर, ठीक है ना। और इस ट्रांसमीटर की बात करें, जो कि इसका प्राइस है, यहाँ पास 3 से 4 हज़ार के बीच में ट्रांसमीटर मिल जाता है। अब नंबर 3 की बात करें, जो कि नंबर 3 मेरे लिस्ट पे नंबर 3 पे है, वो है फ्लाई स्काई का TH9X ट्रांसमीटर, जो कि ये 9 चैनल का ट्रांसमीटर है। और इस ट्रांसमीटर की बात करें तो इसमें जो रिसीवर मिलता है वो होता है 8 चैनल, बट ये ट्रांसमीटर जो होता है वो 9 चैनल का होता है, ठीक है ना। इस ट्रांसमीटर की बात करें तो इसमें बहुत ही अच्छा फैसिलिटी मिलती है, LCD डिस्प्ले मिलती है, जो कि इसमें देख कर किसी तरह का सेटअप कर सकते हैं। और जस्ट बाजू पे इसमें जो कि की मिल जाती है, 4 बटन मिल जाती है, जिसके थ्रू आप सेटअप में इसको चेंज कर सकते हैं। वहीं इसकी यदि स्टिक की बात करूँ, जो कि 2 स्टिक इस पर मिल जाती है कंट्रोल्स पैनल के लिए, तो इसकी स्टिक भी बहुत ही अच्छा है। यदि इस चैनल ट्रांसमीटर की यूज़ करते हैं ज़्यादातर, तो ये फ्लाई स्काई का जो ट्रांसमीटर है इसमें 9 चैनल बहुत ही ज़्यादा है चैनल मिलते हैं इस ट्रांसमीटर में, जिसके थ्रू यदि ड्रोन और RC प्लेन को कंट्रोल करना बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसकी बैटरी की बात करो तो इसमें 8 सेल लग सकते हैं। और इस ट्रांसमीटर की बात करो तो यहाँ पास
थ्री मोड स्विच इस पर भी मिल जाता है। और इस ट्रांसमीटर में बेसिकली एक बहुत ही अच्छा फीचर्स मिलता है, जिससे यदि रेंज बढ़ाना हुआ है इस ट्रांसमीटर का तो रेंज इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पीछे की ओर एक रेंज बढ़ाने के लिए मॉड्यूल लगता है जो कि आप उसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो इसकी रेंज की बात करो तो इसका रेंज जो है तो जो 2 से 3 किलोमीटर समथिंग इसका भी रेंज है इस ट्रांसमीटर का। और इस ट्रांसमीटर में एक बजर मिलता है जो कि बजर यदि ट्रांसमीटर को ऑन करते हैं तब इसका बजर और बहुत सारे यदि ऑप्शन इसमें चेंज करते हैं तो इसका जो बजर है वो बीप की आवाज़ देता है, ठीक है ना। और यदि इसमें लो बैटरी हुई तो बहुत अच्छा फैसला इसमें ये दिया है कि यदि इसकी लो बैटरी हुई तो जो बजर है वो बीप करने लगता है और आपको पता चल जाएगा कि इसकी लो बैटरी हो गई। अब नंबर दो के जो ट्रांसमीटर है वो है रेडियो लिंक का। ये जो ट्रांसमीटर है वो 12 चैनल का ट्रांसमीटर है और इसमें जो है तो 12 चैनल आपको रिसीवर भी मिलता है। और इस ट्रांसमीटर की बात करते हैं, आपके पास जो एंटीना है सिग्नल एंटीना है वो फोल्डेबल मिलता है और ये ट्रांसमीटर जो लुक है उसका बहुत ही अलग डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास LCD जो डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पास बहुत ज़्यादा इसमें साइज़ की बात करो तो बहुत ज़्यादा बड़ी मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस इसमें होते हैं। और इसे एक बहुत ही अच्छा फीचर्स मिलता है जिसमें जो टेलीमेट्री होती है वो इनबिल्ट होती है, जिसके कारण बहुत सारे इसमें ऐसे आपको फीचर्स मिलता है इस ट्रांसमीटर में, जिससे आपको स्पीड और डिस्टेंस का पता चल जाता है जो कि टेलीमेट्री के हेल्प से आपके ड्रोन का, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं, इसमें जो कंट्रोल्स पैनल है वो बहुत ही अच्छे हैं और इसमें जो 3 मोड जो स्विच मिलता है वो 2 मिलते हैं और इसमें बहुत सारी ऐसी फंक्शंस और भी इनबिल्ट हैं। और इसकी रोटेटिंग की बात करते हैं, यहाँ पास 3 रोटेटिंग की मिल जाती है रेडियो लिंक ट्रक के ट्रांसमीटर पर, और जो कि आप गिम्बल को कंट्रोल कर सकते हैं। और डिस्प्ले की जस्ट बाजू पर आप देख सकते हैं इस पर की मिल जाती है, जिसके थ्रू आप इसमें किसी भी सेटअप करने के लिए इस की का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो बज़र मिलता है वो भी बहुत ही अच्छा है, इसमें बज़र मिलता है जो कि लो बैटरी और आप इसमें सेटअप जब चेंज करते हो तो इसमें बज़र ट्यूनिंग देती है। और इसकी जो कंट्रोल्स पैनल की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छी मिलते हैं। और नंबर 1 ट्रांसमीटर की बात करूँ तो टर्निस का एक ट्रांसमीटर है और X7 ट्रांसमीटर है, और ये ट्रांसमीटर जो है तो 16 चैनल का होता है। बेसिकली इसमें जो चैनल्स होते हैं जो 16 मिलते हैं, और इस ट्रांसमीटर का नंबर मैंने 1 पे रखा है, जो कि बहुत सारे इसमें आपको चैनल मिल जाते हैं। और इस ट्रांसमीटर की बात करो तो बहुत सारे फंक्शंस आपको ऐसे मिलते हैं जो कि अदर ट्रांसमीटर पे नहीं मिलते। तो इस ट्रांसमीटर की ऑन की बात करो तो आपको एक ऑन करने के लिए आपको सेंटर पे स्विच मिल जाता है, जिसके थ्रू हेल्प से ये ट्रांसमीटर ऑन होता है। और यहाँ पास एक डिस्प्ले मिलता है जिसमें बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, देखकर उसमें फंक्शंस के लिए अपडेट या चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसकी जस्ट ऊपर ऑन बटन के ऊपर पावर की के ऊपर जस्ट उसमें एक बजर मिलता है, इधर को ऑन करते हैं तो इसमें एक बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग आती है, वेलकम टू X7 सीरीज, ऐसे इसमें एक ट्यूनिंग आती है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें यदि लो बैटरी होती है आपके ट्रांसमीटर की तो इस ट्रांसमीटर में तुरंत आपको एक इंडिकेट ट्यूनिंग करेगा, ठीक है ना। और इसके जो रेंज है वो आप इसमें बढ़ा सकते हो, इसके में इस ट्रांसमीटर के पीछे एक मॉड्यूल लगता है जो कि आप उस पर मॉड्यूल लगा सकते हैं अपने हिसाब से, और उस मॉड्यूल के थ्रू आप इस ट्रांसमीटर का जो रेंज है वो भी बहुत ही इजीली तरीके से बढ़ा सकते हैं। और इसे कंट्रोल्स पैनल की बात करो तो ये सबसे अलग ट्रांसमीटर आप देखने को आपको मिलेगा, और कंट्रोल पैनल जो है तो सबसे अलग इसमें मिलेगा। और इस ट्रांसमीटर की यदि कॉस्ट की बात करो तो ये 16 से 17 हज़ार के बीच में मिलेगा। और इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है 4 किलोमीटर के समथिंग इस ट्रांसमीटर की रेंज होती है। ट्रांसमीटर की और फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको जो 4 सबसे ज़्यादा इस ट्रांसमीटर में आपको 3 मोड स्विच मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा इसमें एक ऑप्शन मिलती है, जो कि 4 जो पैनल मिलते हैं 3 मोड स्विच, उसके कारण बहुत सारे ऐसे फंक्शंस मिलते हैं जो कि ड्रोन्स, जो कि आप बहुत से बिगनर यदि ड्रोन्स बनाते हो बड़े ड्रोन बनाते हो तो इस ट्रांसमीटर का यूज़ करते हैं, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हैं आप
ड्रोन को। तो ये ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर की बहुत ही अच्छी खासियत है, रेंज की जो फ्रिक्वेंसी है वो 2.4 GHz पे वर्क करती है। और इसके साथ जो होता है कि जो सिग्नल का बहुत सारे चैनल में इशू आता है कि कट होता है, तो इसमें जो सिग्नल की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आती। और इस ट्रांसमीटर की जो सिग्नल होता है वो बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, आपके जो टोन्स होते हैं वो क्रैश कभी नहीं होते इस ट्रांसमीटर में। और इसकी बैटरी की बात करो तो इसमें जो बैटरी लगती है वो 6 बैटरी इस पर लगती है। और इस ट्रांसमीटर को आपको नीचे पोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको USB पोर्ट मिलता है। और जस्ट बाजू में आपको देखने को मिलेगा, आपको जो इस ट्रांसमीटर में है SD कार्ड लगाने के लिए एक पोर्ट मिलता है। और जस्ट ऊपर इसके आप अपर साइड देखोगे इस ट्रांसमीटर में, तो आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, जो कि हेडफोन आप इसमें अटैच कर सकते हो। और जस्ट बाजू में इसके सिम्युलेटर चलाने के लिए आपको पोर्ट मिल जाता है। एंटीना के जस्ट बाजू इसके आप देखोगे तो इस ट्रांसमीटर में आपको जो सिम्युलेटर करते हैं इसके लिए पोर्ट मिल जाता है। तो बहुत ही अच्छे इसमें फंक्शंस मिलते हैं, यदि इसीलिए मैं इस ट्रांसमीटर को नंबर टॉप 1 पे रखा हूँ। और ये ट्रांसमीटर बहुत ही अच्छा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत सारी इसी तरह की वीडियो आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। और यदि आपका कोई रिलेटिव या फ्रेंड ड्रोन से रिलेटेड काम कर रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।